जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं लॉजिक के प्रश्न पत्र के कुछ टॉपिक्स, आज उसी श्रृंखला में आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अवस्था एवं आकृति। सबसे पहले हमने पढ़े थे निरुपाधिक तर्क वाक्य, निरुपाधिक तर्क वाक्य चार प्रकार के पढ़े थे, ए, ई, आई और ओ। उसके पश्चात निरुपाधिक तर्क वाक्यों के पश्चात हमने उनको चारों को प्रतीक रूप दिया था, जो चार प्रकार थे, सर्वव्यापी भावात्मक, सर्वव्यापी निषेधात्मक, अंशव्यापी भावात्मक और अंशव्यापी निषेधात्मक। उनको हमने प्रतीक किए ए, ई, आई और ओ। उसके पश्चात हमने इनके रेखा चित्र बनाने सीखे, एक इसको एक इस डायग्राम को एक वर्ग मानते हुए कि इस वर्ग के अंदर सभी सदस्य हैं या कोई सदस्य नहीं है या कुछ सदस्य है, इस प्रकार की व्यवस्था करते हुए हमने इन चारों निरुपाधिक तर्क वाक्यों के रेखा चित्र बनाने सीखे। रेखा चित्र बनाने के बाद हमने पढ़ा निरपेक्ष न्याय वाक्य, जहां निरुपाधिक तर्क वाक्य में सिर्फ उद्देश्य और विधेय पर होते थे, वही निरपेक्ष न्याय वाक्य है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या है, केवल और केवल तीन निरुपाधिक तर्क वाक्यों से मिलकर बना होता है। इसमें तीन निरपेक्ष तर्क वाक्य होते हैं, जिसमें से कोई दो निरपेक्ष तर्क वाक्य आधार वाक्य कहलाते हैं और एक निरपेक्ष तर्क वाक्य निष्कर्ष कहलाता है। निष्कर्ष कैसे पता करते हैं वो भी बता दिया, आधार वाक्यों का कैसे पता लगाते हैं वो भी बता दिया। इसके अलावा हमने यह भी देखा था कि निरपेक्ष न्याय वाक्य में तीन पद होते हैं, उद्देश्य पद, विधेय पद एवं मध्यम पद, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिडिल SPM। हिंदी में इसको अगर हम पढ़ेंगे तो बुक्स में ऐसे लिखा होगा, उद्देश्य के लिए लिखाएगा U, विधेय के लिए लिखाएगा V और मध्यम के लिए लिखाएगा M। उद्देश्य, विधेय और मध्यम पद यह पढ़ लिए थे। इसके पश्चात हम आज आगे पढ़ने जा रहे हैं मूड एंड फिगर, न्याय वाक्य की आकृति और अवस्था। अवस्था को मूड कहते हैं और आकृति को फिगर कहते हैं, अर्थात किसी न्याय वाक्य की अवस्था क्या होगी, आकृति क्या होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसी न्याय वाक्य या न्याय युक्ति की आकृति। सबसे पहले पढ़ते हैं न्याय वाक्य की आकृतियां या न्याय युक्ति की आकृतियां, फिगर ऑफ सिलोजिज्म, फिगर्स ऑफ सिलोजिज्म, न्याय युक्ति की आकृतियां या फिगर्स ऑफ सिलोजिज्म। किसी न्याय युक्ति की आकृति, किसी न्याय युक्ति की आकृति न्याय वाक्य में प्रयुक्त होने वाले मध्यम पद की स्थिति पर निर्भर करती है। एक न्याय वाक्य का उदाहरण हमने देखा था जिसमें क्या था, वो न्याय वाक्य आपके लिए मैं वापस बताता हूं, सभी मनुष्य मरणशील है। देखिए, एक ही उदाहरण लेने की मंशा ऐसा नहीं है कि यहाँ एक ही एग्जाम्पल है, इस तरह के अनेक उदाहरण लिए जा सकते हैं, लेकिन एक सामान्य आसानी से समझ आने वाला उदाहरण लेने का हमारा मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि आप उसको आसानी से समझ सकें। सभी मनुष्य मरणशील है, सभी प्रोफेसर मनुष्य है, और सभी
निष्कर्ष से पहले जैसे आपको बताया हमेशा आते हैं, इसलिए जैसे सब प्रयुक्त होंगे, सभी प्रोफेसर मरणशील हैं। अब इसमें मैंने आपको निकाला बताया था कि कैसे हम पदों को निकालते हैं। सबसे पहले निष्कर्ष के उद्देश्य और विधि अलग कर लीजिए। ये निष्कर्ष का उद्देश्य पद होगा और ये निष्कर्ष का विधेय पद होगा। इसको सब्जेक्ट, इसको प्रेडिकेट, हिंदी में इसको ऊ लिखा हुआ आएगा और इसको वी लिखा हुआ आएगा। इसके बाद मैंने बताया कि निष्कर्ष में जो विधेय पद है वो निष्कर्ष के अलावा जिस भी आधार वाक्य में प्रयुक्त हुआ है वह हमारा पहला आधार वाक्य कहलाएगा। यह हमारा पहला आधार वाक्य, यह वापस हो गया विधेय पद। अब उद्देश्य पद, वापस उद्देश्य पद। इस दोनों उद्देश्य और विधेय के अलावा एक ऐसा पद होता है किसी न्याय युक्ति में प्रयुक्त होने वाला, एक ऐसा पद जो केवल 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 आधार वाक्यों में आया है लेकिन निष्कर्ष में नहीं आया है, उस पद को कहते हैं हम मध्यम पद। तो मनुष्य वो पद है जो दोनों आधार वाक्यों में तो आया है लेकिन निष्कर्ष में नहीं है, इसको मध्यम पद या मिडिल टर्म कहते हैं। इस प्रकार अगर हमारे क्वेश्चन में, पेपर में 2 नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें पूछ ले मध्यम पद किसे कहते हैं, या लिखा हुआ गया मध्यम पद मिडिल टर्म, या मैंने बताया इसको एक और नाम कहते हैं हेतु, तो हेतु किसे कहते हैं, हेतु या मध्यम पद वह पद है जो किसी न्याय युक्ति या न्याय वाक्य में केवल आधार वाक्यों में प्रयुक्त होता है लेकिन निष्कर्ष में नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना निरपेक्ष न्याय युक्ति के आधार वाक्यों में पाया जाने वाला पद जो केवल और केवल आधार वाक्यों में ही होता है लेकिन निष्कर्ष में नहीं पाया जाता उसे कहते हैं मध्यम पद। तो इस मध्यम पद की स्थिति, मध्यम पद की स्थिति के आधार पर निरपेक्ष न्याय युक्ति की आकृतियां निर्धारित होती है। न्याय युक्ति की आकृति का क्या तरीका है, मध्यम पद की स्थिति। अब कैसे होती है देखिए, मैं अभी आपको बताऊं मध्यम पद की स्थिति। मध्यम पद की स्थिति के आधार पर न्याय युक्ति की 4 आकृतियां बनती है। कितनी बनती है, 4 फिगर्स बनते हैं। देयर आर 4 फिगर्स फॉर सिलोलोजी। 4 आकृतियां कौन कौन सी बनती है, कैसे बनती है, देखिए अभी इन दो आधार वाक्यों को याद रखिए, एक बार हम इसको भूल जाते हैं, ठीक है, भूल गए। हमारे पास सिर्फ ये पहला आधार वाक्य है और ये दूसरा आधार वाक्य है। इस आधार वाक्य में मध्यम पद कहां पर है, विधेय के स्थान पर है। इस न्याय वाक्य में मध्यम पद कहां है, उद्देश्य के स्थान पर है। ये आपस में परिवर्तित होते रहेंगे। एक पहली स्थिति में ऐसा हो सकता है कि दोनों उद्देश्य पद के स्थान पर हो, दूसरी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि दोनों विधेय के स्थान पर हो, एक स्थिति में ऐसा हो सकता है कि एक उद्देश्य और एक विधेय के स्थान पर हो, और एक स्थिति में ऐसा हो सकता है एक विधेय और एक उद्देश्य के स्थान पर हो। तो ये 4 ही संभव आकृतियां बनती है, मध्यम पद की 4 ही संभव स्थितियां बनती है। इस आधार पर न्याय युक्ति या न्याय वाक्य की 4 फिगर्स होती है, 4 फिगर्स होती है, 4-1 प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, या ऐसा कह सकते हैं पहली दूसरी तीसरी और चौथी। इस प्रकार न्याय वाक्य या न्याय युक्ति की 4 आकृतियां बनती है। कौन कौन सी है वह हम अभी पढ़ेंगे। 4 आकृतियां बनती है। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रथम आकृति, किसी न्याय युक्ति की प्रथम आकृति, पहली फिगर, फर्स्ट फिगर। इसको कहेंगे हम इंग्लिश में अगर कहें तो फर्स्ट फिगर। पहली आकृति क्या होती है, पहली आकृति में मध्यम पद की स्थिति क्या होती है, पहला आधार वाक्य, दूसरा आधार वाक्य और निष्कर्ष, मध्यम विधेय
मध्यम विधेय निष्कर्ष में उद्देश्य विधेय और उद्देश्य मध्यम, यह हुई पहली आकृति। इसको अगर हम इंग्लिश में देखो, आप अगर मैं भी ऊ में ऊ भी याद रह जाए तो वैसा ठीक है। ये मैंने संक्षिप्त नाम लिखे, मध्यम पद विधेय पद उद्देश्य पद मध्यम पद उद्देश्य पद विधेय पद। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखे हैं तो इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, मिडिल टर्म को एम से दिखाया मैंने, प्रेडिकेट को बी से दिखाया है, उद्देश्य को एस से दिखाया है, मिडिल को वापस एम से दिखाया है और सब्जेक्ट को एस से और पी से। तो यह हुई पहली स्थिति। पहली स्थिति फर्स्ट फिगर, इसको हमें याद रखना है। पहली स्थिति में मध्यम पद कहां है? प्रथम आधार वाक्य के उद्देश्य पद के स्थान पर और द्वितीय पद के विधेय के स्थान पर। हालांकि इतना सब हमें यही नहीं याद रखना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है पहली फर्स्ट फिगर क्या है, एम पी एस एम एस पी। ये पहली आकृति है, मध्यम विधेय उद्देश्य मध्यम उद्देश्य विधेय, म वी ऊ म ऊ वी। आपको जो पैटर्न अच्छा लगे, आपको इस पैटर्न में याद रखना है, आप इस पैटर्न में याद रखिए पहली आकृति। प्रश्न में आए, दो नंबर का प्रश्न आता है, न्याय युक्ति की प्रथम आकृति लिखो। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये आकृति लिखनी है, मध्यम विधेय उद्देश्य मध्यम उद्देश्य विधेय। अगर आपको ये याद रहता है ठीक है, अगर आपको ये रहता है एम पी एस एम एस पी, आप लिख लीजिए, सिर्फ यही होता है पहली आकृति। अब हम पढ़ेंगे दूसरी आकृति। वित्तीय आकृति सेकेंड फिगर, न्याय युक्ति की वित्तीय आकृति सेकेंड फिगर। द्वितीय आकृति, द्वितीय आकृति क्या होती है? पीएम एस एम एस पी, हिंदी में लिखें तो विधेय मध्यम उद्देश्य मध्यम उद्देश्य विधेय। यह हुई किसी न्याय वाक्य या न्याय युक्ति की द्वितीय आकृति। द्वितीय आकृति में विधेय पद मध्यम पद उद्देश्य पद मध्यम पद उद्देश्य पद विधेय पद। यहां पर देखिए, ये तो मध्यम पद है, दोनों ही स्थितियों में कहां पर आया है? दोनों ही स्थितियों में विधेय के स्थान पर आया है। सेकंड फिगर में मध्यम पद दोनों ही आधार वाक्यों में विधेय पद के स्थान पर प्रयुक्त होता है, विधेय पद के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यह हुई सेकंड फिगर। आपको बस ये सेकंड फिगर याद रखनी है, पीएम एस एम एस पी या वी में ऊ में ऊ वी। यह हुई हमारी सेकंड फिगर। इसके बाद हम आते हैं न्याय वाक्य या न्याय युक्ति की तृतीय आकृति। देखिए, दोनों ही प्रथम और द्वितीय आकृति में कोई चेंजेस नहीं है, केवल और केवल मध्यम पद क्या है, अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है। चारों आकृतियां होने के बाद जब हम एक एग्जैक्ट टेबल बनाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ, इन चारों में कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ था। तो अब हम करते हैं तृतीय आकृति, थर्ड फिगर। तृतीय आकृति, तृतीय आकृति किसी न्याय वाक्य की क्या होगी? एम पी एम एस एस पी, मध्यम विधेय मध्यम
उद्देश्य और उद्देश्य विधि। इसमें देखिए मध्यम पद कहां आया है, दोनों ही आधार वाक्यों के उद्देश्य पद के स्थान पर आया है। कोई चेंज नहीं, जिसे द्वितीय आकर्ष में कहा था दोनों ही आधार वाक्यों के विधेय के स्थान पर, इस बार आ गया दोनों ही आधार वाक्यों के उद्देश्य के आधार पर। इसके बाद हम पढ़ते हैं चतुर्थ आकृति। यह आकृतियां कुछ नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसको हमें कोई ऐसा हेडेक नहीं लेना, ये बहुत ही आसान है। जब हम इन चारों की एक एग्जाइट टेबल बनाएंगे, एक साथ टेबल बनाएंगे, तो आपको देखते ही याद हो जाएगी। और ये याद इसलिए करनी जरूरी है कि जब हम जॉन वेन के रेखा चित्र बनाएंगे या जॉन वेन के रेखा चित्रों के माध्यम से निरुपाधिक न्याय युक्तियों की वित्तता की जांच करेंगे, वैलिडिटी की जांच करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो हमें इन आकृतियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब चतुर्थ आकृति, चतुर्थ आकृति, फोर्थ फिगर में, फोर्थ फिगर में भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजेज है। पीएम एमएस और एसपी, विधेय मध्यम, मध्यम उद्देश्य और उद्देश्य विधेय। चौथी फिगर में क्या है, पहली फिगर का बिल्कुल विपरीत। पहली फिगर में क्या था, मध्यम पद यहां था उद्देश्य के स्थान पर और दूसरे आधार वाक्य विधेय के स्थान पर, लेकिन यहां क्या है, पहले आधार वाक्य में विधेय के स्थान पर और दूसरे आधार वाक्य में उद्देश्य के स्थान पर। इस प्रकार यह किसी न्याय वाक्य की चार आकृतियां हुई। अब इन चारों को हमें एग्जाम टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। अब चार आकृतियां हैं किसी मध्यम पद की स्थिति के आधार पर। अब हमें यहां याद क्या रखना है, पहले हम एक एग्जाइट टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम इसको याद करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति और चौथी आकृति। पहली आकृति क्या है, एमपी एसएम एसपी। दूसरी आकृति पीएम एसएम एसपी। तीसरी आकृति एमपी एमएस और एसपी। चौथी आकृति पीएम एमएस और एसपी। अब ये देखिए, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं वी ऊ मां ऊ वी, जो आपको सही लगे, जैसी भाषा में आपको सही लगे, वी मां ऊ मां ऊ वी, ये इसी तरह आगे वाले भी आप लोग कर सकते हैं। मैं आपके लिए कर देता हूं, मध्यम विधेय, मध्यम उद्देश्य, उद्देश्य विधेय, विधेय मध्यम, मध्यम उद्देश्य, उद्देश्य। इस प्रकार किसी निरपेक्ष न्याय युक्ति की यह चार आकृतियां है। अब इन चार आकृतियों में क्या है, किस तरह से इसको हम शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले न्याय वाक्य, न्याय वाक्य में तीन पद होते हैं, तीन ही आधार वाक्य होते हैं, प्रत्येक दो तीन ही न्याय तर्क वाक्य होते हैं, तीन में से दो आधार वाक्य और एक निष्कर्ष। तीन पद होते हैं, प्रत्येक पद दो दो बार आता है, उद्देश्य विधेय और मध्यम। उद्देश्य पद और विधेय पद निष्कर्ष में होते हैं और एक एक आधार वाक्य में होता है, मध्यम पद होता है जो केवल आधार वाक्य में होता है और निष्कर्ष में नहीं होता है। इसी मध्यम पद की स्थिति, मध्यम पद कौन सा पद है जिसको हमने नाम दिया था हेतु, या फिर हमने नाम दिया था इसको मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, यह मिडिल टर्म क्या कहलाती है,
मिडिल टर्म होती है वह पद जो आधार वाक्यों में प्रयुक्त हो लेकिन निष्कर्ष में नहीं हो किसी भी निरपेक्ष न्याय युक्ति के। मध्यम पद की स्थिति के आधार पर किसी निरपेक्ष न्याय युक्ति की चार आकृतियां होती हैं। इन चार आकृतियां कौन कौन सी होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब इन चार आकृतियों में आप देखिए क्या हो रहा है, केवल और केवल मध्यम पद की स्थिति बदल रही है। यहां देखो मध्यम पद, यहां मध्यम पद की स्थिति देखो, यहां मध्यम पद की स्थिति देखो, इस वाले में मध्यम पद की स्थिति देखो और इस वाले में मध्यम पद की स्थिति देखो। बस मध्यम पद की स्थिति परिवर्तित हो रही है। इसी मध्यम पद की स्थिति के आधार पर किसी निरपेक्ष न्याय वाक्य की न्याय युक्ति की आकृतियां डिसाइड होती है। आपको क्या करना है? आपको केवल और केवल इतना ही करना है कि आपको इन आकृतियों को याद रखना है। आप चाहे जिस भाषा में याद रख सकते हैं, सबसे सिंपल देखिए कुछ भी नहीं है याद रखने जैसा इसमें। सबसे नीचे वालों में सब में कॉमन उद्देश्य विधेय, उद्देश्य विधेय, उद्देश्य विधेय, उद्देश्य विधेय, एसपी 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 एसपी। ऊपर देखिए एमपी, फिर इसका विपरीत पीएम, फिर एमपी और पीएम। यहां भी क्या है, दो बार एसएम एसएम है, फिर एमएस एमएस है। आपको याद कैसे करना है? आपको याद इस तरह से करना है, ऊपर से नीचे की तरह, पहला दूसरा और निष्कर्ष। ये प्रथम आधार वाक्य, ये दूसरा आधार वाक्य और ये निष्कर्ष। किस तरह याद रखना है? अगर पेपर में पूछा जाए प्रथम आकृति लिखो किसी न्याय वाक्य न्याय युक्ति की, आपको लिखना है एमपी एसएम एसपी। आपको पूछ लिया जाए किसी न्याय युक्ति की तृतीय आकृति लिखो, आपको लिखना है एमपी एमएस एसपी। आपको पूछ लिया जाए चतुर्थ लिखो, या आपको पूछ लिया जाए द्वितीय, या आपके सात नंबर में आ जाए किसी न्याय युक्ति की संभव युक्ति आकृतियां लिखो, या ऐसा आ जाए कि न्याय युक्ति की आकृतियों को समझाइए। क्या लिखना है? मध्यम पद की स्थिति के आधार पर न्याय युक्ति की आकृतियां तय होती है। कुल चार आकृतियां होती है और इनमें मध्यम पद की स्थिति अलग अलग इस प्रकार होती है, प्रथम आकृति, द्वितीय आकृति, तृतीय आकृति और चतुर्थ आकृति। इस तरह से हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है, न्याय युक्ति या न्याय वाक्य की आकृति। इसके बाद आता है किसी न्याय वाक्य की अवस्थाएं। अवस्थाएं हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। थैंक यू।